जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सितंबर के महीने में बहुत बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो कि राक्षस ग्रह, पापी ग्रह, छाया ग्रह माने जाते हैं। दोनों का ही परिवर्तन 23 सितंबर को होगा, क्योंकि दोनों का परिवर्तन एक साथ ही होता है। एक ही दिन ये राशि परिवर्तित करते हैं, एक साथ राशि परिवर्तित करते हैं। केतु के राशि परिवर्तन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि 23 सितंबर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। देखिए, ये हमेशा वक्री चाल चलते हैं, यानी कि उल्टी चाल चलते हैं। और अभी केतु धनु राशि में थे, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, वहाँ से अब ये उल्टी चाल चलते हुए 23 सितंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 18 महीनों तक यहीं रहने वाले हैं। क्योंकि केतु का राशि परिवर्तन लगभग 1.5 वर्ष के बाद होता है, 1.5 वर्ष तक एक ही राशि में ये रहते हैं। केतु अगर आपके कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा हो, केतु अगर बिगड़ जाए तो जिंदगी को नरक बना देता है, और अगर किसी को देने को आए तो गरीब को पल भर में राजा बना देता है। इस ग्रह का राशि परिवर्तन तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह का परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आएगा, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में, दुकान में, प्रेम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में किस तरह के ये परिवर्तन लेकर आएगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। किन चीज़ों में लाभ मिलेगा, किन चीज़ों में सावधानियां रखनी है और उपाय क्या करने हैं। वीडियो के अंत में आपको इस केतु के उपाय भी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपको उपायों का बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, केतु की हम बात कर रहे हैं और केतु छाया ग्रह है, मंगल का ही छाया ग्रह इसको माना जाता है, और मंगल की राशि वृश्चिक राशि में ही प्रवेश करेंगे। इसका अपना कोई वास्तविक रूप नहीं है, आकार नहीं है। मोक्ष, अध्यात्म, वैराग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। ये एक रहस्यमय ग्रह है। ये व्यक्ति को कल्पनाशील बना देता है, कल्पना से भर देता है, और इसका इस केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। धनु में ये उच्च के होते हैं, मिथुन में ये नीच के होते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हम तुला राशि की, तो तुला राशि के लोगों के लिए जो ये गोचर होगा, ये इनके दूसरे भाव में होगा, यानी कि धन भाव में होगा। तो यहाँ आपके लिए कुछ चीज़ों में स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, और कहीं आपको ध्यान भी रखना होगा, सावधानी भी रखनी होगी। एक तो आपको इस समय एक चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपको अपने भाग्य की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। भाग्य के भरोसे किसी काम को नहीं छोड़ना है, मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि राहु की पैनी दृष्टि आपके ऊपर रहेगी, जो आपकी किस्मत के सितारों के ऊपर रहेगी, जो आपको जीवन में कई तरह की चुनौतियाँ भी देंगी। तो इसीलिए आपको अपनी मेहनत पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चलना है। दूसरा भाव वाणी का भाव होता है, धन का भाव होता है, तो ये वह आपकी वाणी को भी प्रभावित करेगा। वैसे भी केतु वाणी को प्रभावित करता है। केतु का ये परिवर्तन आपके लिए खर्चों का योग भी बनाएगा, धन कमाने के योग भी बनाएगा, लेकिन खर्चों को आपको जितना हो सके उतना कम करना है। खर्चों का योग बनेगा, आप अपने संचित धन को खर्च कर सकते हैं, तो यहाँ आपको सावधानी रखनी है कि आप जो ज़रूरी खर्चे हैं उन्हीं खर्चों को करें, व्यर्थ के खर्चों में बिल्कुल ना पड़ें, और किसी की देखा देखी तो खर्चे बिल्कुल ना करें, या फिर खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, खुद को ज़्यादा दिखाने के लिए आप खर्चे ना करें। इन चीज़ों की तरफ ज़रूर ध्यान दें। इस दौरान अपनी वाणी पर आप अगर सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आपकी वाणी से कई लोगों के साथ आपकी वाद विवाद की स्थितियाँ भी बन सकती हैं, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा इस दौरान आप अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और किन चीज़ों में ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। देखिए, अगर तुला राशि के जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये जो समय होगा ये अनुकूल रहेगा। इसके अलावा अगर आप किसी जमीनी कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या जो मिट्टी से निकले, जमीन से जुड़े हुए जो कार्य हैं, बिल्डर हैं, खनिज पदार्थों का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, सोना चांदी, तो ऐसे जो इनका काम करते हैं उनके लिए ये जो समय होगा ये काफ़ी अनुकूल रहेगा। आपको खुद आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आप अपने कार्य का विस्तार कर पाएंगे, तो उनके लिए अच्छा समय है।
इसके अलावा विद्यार्थियों की अगर बात करें तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए समय जो है वो कई तरह से परिवर्तित होगा। आप अपनी वाणी आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, लेकिन मन आपका इधर उधर भटक सकता है। आप कल्पनाशील ज़्यादा रहेंगे, यानी कि आप सोचेंगे ज़्यादा कि आप ये करना है वो करना है, लेकिन अमल ज़्यादा करेंगे उन बातों पर। तो आपको ध्यान रखना है, जो आप कहते हैं उस पर आपको काम भी करना है। सिर्फ सोचते रहने से काम पूरा नहीं हो जाएगा। इन चीज़ों की तरफ आप ज़रूर ध्यान रखें, पढ़ाई के लिए ज़्यादा मेहनत करें। अगर आप अपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उसका रिज़ल्ट आपको तब जाकर अच्छा मिलेगा। सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो की गई तैयारी है उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो ध्यान रखें, किसी की भी बातों पर ज़्यादा विश्वास ना करें। अपने सबसे पहले बातों को, आपको सही बातों को जानना है, तब आपको रिएक्ट करना है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा, बाकी ग्रहों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और देखिए, जो ये परिवर्तन है 1.5 वर्ष का, ऐसा नहीं है कि ये परिवर्तन जो केतु का है ये 1.5 वर्ष तक एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह इसके साथ युति करेगा, केतु के साथ जब सूर्य की युति होगी, बुध की युति होगी, गुरु की होगी, चंद्र की होगी और मंगल की होगी, जब भी किसी ग्रह के साथ युति होगी तो परिस्थितियाँ में परिवर्तन होता है। जो योग बनता है और जो युति होती है तो वहाँ जो परिवर्तन होते हैं, प्रभाव होते हैं, वहाँ प्रभाव बदल जाते हैं। वो समय समय पर जब जिस ग्रह के साथ ये राशि परिवर्तित करेंगे और जो प्रभाव तब होंगे वो आपको समय समय पर बिल्कुल बताए जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रभाव डालती हैं केतु का। तो यहाँ एक तो आपके जो कुंडली में अगर जो केतु की उपस्थिति है वो कैसी है, आपके ऊपर केतु का दोष तो नहीं चल रहा है, केतु अशुभ तो नहीं है, तो इनसे भी काफ़ी फर्क पड़ता है आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्र में। इसीलिए केतु के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। केतु के उपाय बहुत ही आसान उपाय भी होते हैं जो आपके जीवन में आपकी जो परेशानी है उनको खत्म करते हैं। एक और देखिए, केतु जो हैं वो अधिकतर जो केतु का प्रभाव जाना जाता है लगभग 45 की उम्र के बाद ये पता चलता है कि आपका जो केतु है, राहु है, वो अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उस उम्र पर जाकर ये एहसास होता है कि आपने जीवन में क्या पाया। आपके कोई काम नहीं बने, आपका कोई बिजनेस नहीं चला, आप नौकरी में नहीं अच्छा कर पाए, आपकी बहुत सी डील होती होती रह गई। तो उस उम्र में जाकर 45 इयर्स के बाद आपको इस बात का एहसास होता है कि आपके ये ग्रह अच्छे नहीं थे। इसलिए आपको अभी से ये देखकर चलना है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, जिस कार्य को करते हैं वो नहीं बनता है, आपके अंदर गुस्सा अधिक रहता है, आप सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, कल्पनाशील ज़्यादा रहते हैं, गाली गलौज ज़्यादा करते हैं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ऐसे में आपको केतु के उपाय ज़रूर करने चाहिए। और देखिए उपाय क्या हैं, केतु के उपाय के लिए अगर आप दान करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन आपको दान करने हैं। तिल का तेल दान कर सकते हैं, या तिल का दान कर सकते हैं, काला कंबल दान कर सकते हैं, काले कपड़े, 7 प्रकार का अन्न दान कर सकते हैं, केला दान कर सकते हैं। ये सभी केतु के उपाय हैं जो कि अशुभ जो प्रभाव हैं उनको दूर करते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि है गणेश जी की पूजा करना। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दें, केतु के से बचने का सबसे अच्छा उपाय है ये, क्योंकि केतु आपके मन को काबू में करता है, मन को वश में करता है, वो आपके मन को काबू में नहीं कर पाएगा। अच्छा सोचें, प्रसन्न रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू कर दें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा काले और सलेटी रंगों का प्रयोग ना करें, बहुत ही कम करें या ना करें, तो आपके ऊपर केतु का प्रभाव बहुत कम रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।